तो वही अब जो है आज की वीडियो थोड़ी सी ज्ञान पे होगी, ठीक है। और ये जो है मैं काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स भी थे और काफ़ी सारे अपने भाई लोग जो है ना कमेंट भी कर रहे थे कि भाई हमारी गाड़ी में वही हम आपने जो है ना वही वाले स्पीकर बताया पर हमने अपनी गाड़ी में लगाया और मेरे को वो बेस नहीं मिल रही। तो अब मैं इस चीज़ का आंसर देता हूँ। भी जो है एक बंदा था, मतलब अपना ही दोस्त ही है और सब्सक्राइबर भी है शायद, तो उसने मुझे बोला, कहता है कि भाई मेरी ना इग्निस है और उसमें स्पीकर मैंने लगाए जो आपने बोला था वही स्पीकर लगा लिए हैं बट मुझे बेस नहीं मिल रही। मेरे फ्रेंड की जो है फोर्ड की गाड़ी है और उस पर जो है कंपनी के स्पीकर्स हैं बट उसके कंपनी की आवाज़ जो है वो ज़्यादा बेटर है मेरे जो अभी मैंने अपग्रेड कर रखे हैं उनसे। तो मैंने देखो एक सिंपल सी एक बात होती है, मैं बताता हूँ तुम्हें कि गाड़ी के दरवाज़ों पर भी डिपेंड करता है, गाड़ी कौन सी है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर किया की कोई बड़ी सी गाड़ी है, ठीक है, तो उसमें आपको वूफर कंपलसरी हो जाता है। अगर वूफर नहीं लगाना तो आप जो है दरवाज़ों में डैम्पिंग भी कर सकते हो। अब मैं डैम्पिंग की बात क्यों बोल रहा हूँ, रीज़न ये है कि जैसे कई गाड़ियाँ होती हैं साइड में आप देखोगे फोटोज़ तो दरवाजे कईयों के बिल्कुल खोखले होते हैं और कईयों के बिल्कुल सील्ड दरवाजे होते हैं, ठीक है। तो अभी उसका भी डिफरेंस मैं दिखाऊंगा पूरा चेक करा के, जो है मैं आपको चेक कराने वाला हूँ। पहले तो दिखाऊंगा मैं स्पीकर खुले आवाज़ में कितना आता है, ठीक है। खुला स्पीकर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो दरवाजे होते हैं ना जो बिल्कुल थोड़े खोखले टाइप के होते हैं जिसमें गैप ज़्यादा होता है, वो दरवाज़ों में जो है आवाज़ उस तरीके की आएगी, बेस प्रॉपर नहीं बन पाएगी, ठीक है। और जो सील्ड दरवाजे होते हैं ना उन दरवाज़ों में किस तरीके की आवाज़ आएगी वो मैं आपको दिखाऊंगा, सब समझ जाओगे। 1.5 से 2 मिनट की वीडियो बनेगी, नहीं 2 मिनट तो नहीं 3 मिनट के आसपास की वीडियो बनेगी, सारा दिखाते हैं, आ जाओ। तो भाई अब यहाँ पे जो है मेरे पास स्पीकर रखे हैं, ये मैंने खोल के रखे हुए दोनों स्पीकर और ये हमारे सील्ड बॉक्स के अंदर, ठीक है। मैं पहले इसको चला के दिखाऊंगा और उसके बाद बॉक्स वाले को भी खोल के और बॉक्स में क्या डिफरेंस आ रहा है साउंड का वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले तो गाना सेट कर लो। तो भाई गाना मैंने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट शॉट आइए और अब मैं गाना तेज करके आपको दिखाऊंगा डिफरेंस क्या आता है, ठीक है। ध्यान से देखना, बस जो बताऊंगा उस पर ध्यान देना। अब ये स्पीकर हैं ये हमारे खुले चल रहे हैं, ठीक है, बिना किसी बॉक्स में किसी दरवाजे में नहीं है, किसी भी नहीं है। आप ये समझ लो कि जो बॉक्स है वो हमारा दरवाज़ा हो गया और खुले स्पीकर जो हो गए वो हमारे जो वो गैप वाले दरवाजे होते हैं वो हो गए, ठीक है। तो अब हम ये JBL का देख लेते हैं, ये तो ब्रांडेड है, ये देख लो कोई बेस वाली आवाज़ आ रही है, बिल्कुल भी नहीं आ रही, ठीक है, जबकि स्पीकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, नहीं आ रही कोई भी आवाज़। अब हम इस वाले पे देख लेते हैं, ये भाई अपना इंडियन ब्रांड हो गया जिसके अभी वीडियो भी बनाई थी, ठीक है, नहीं आ रही आवाज़। अब मैं इस पे कर देता हूँ आवाज़, रुको। तो भाई ये हो गए अपने सील्ड दरवाजे, ठीक है, सील्ड दरवाज़ों वाली आवाज़ है। अब मैं इसको तेज़ करता हूँ, फिर आउटपुट सुना, ईयरफोन ज़रूर लगा लेना। चल रहे हैं भाई, ईयरफोन जरूर से लगा लेना। और अब ये हो गए हमारे सील्ड दरवाजों की आवाज़। अब इसी को मैं आपके सामने खोल देता हूँ पहले, ठीक है, तब आप ये समझ जाओगे कि भाई ये अब सील्ड दरवाजे हैं, ठीक है। और अब जो मैं दिखाने वाला हूँ वो ओपन दरवाजे हैं, मतलब जिसमें गैप ज़्यादा होता है, समझ जाओगे बिल्कुल। ये हो गया, ये क्या है, आ गई वैसी आवाज, ठीक है। अब इन्हीं को मैं बॉक्स में लगा देता हूं इसी टाइम, आ गई आवाज, ये सील दरवाजे हो गए, ठीक है। अब ओपन दरवाजे, ये देखो ओपन दरवाजा हो गया, सील दरवाजा हो गया, ये डिफरेंस होता है भाई। तो भाई समझ आ गई, ये डिफरेंस होता है। अब मैंने क्या किया, अब आप इसी बॉक्स को जो है दरवाजा एज्यूम कर लो, ठीक है। अब ये बॉक्स हो गया है, अंदर खोखला है पूरा, कुछ भी नहीं है पर सील्ड बॉक्स है, ठीक है, मतलब ये आपके सील्ड दरवाजों वाला काम कर रहा है। यहाँ पे एयर वेंट है, वो आपसे कोई लेना देना नहीं है। पर आप ये समझ लेना खाली स्पीकर अगर आप चलाओगे, खाली स्पीकर इन द सेंस अगर आप जो है ऐसे दरवाजों में लगाते हैं जिसमें गैप ज्यादा है, ठीक है, तो उसमें ये होगा, उसमें आवाज जो है वो प्रॉपर तरीके से बंद होकर आवाज़ नहीं आएगी और जो बेस होती है वो बेस सील्ड दरवाजों में ही आ पाएगी, सील्ड दरवाजे हो गए या बॉक्स हो गया उन्हीं में आ पाएगी। कभी आपने एक और किया जो वूफर होता है, वूफर में, वो वूफर को पेटी में या फिर बॉक्स में क्यों लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं ताकि उसकी आवाज़ अच्छी आ जाए और धमक अच्छे से आए। तो बेस अफेक्ट अगर चाहिए तो आपको दरवाजे सील करवाने पड़ेंगे और सील दरवाजे तभी होंगे या तो आपके पास कोई जर्मन गाड़ी है या अमेरिकन कार है या फिर चलो कोई भी गाड़ी नहीं है, आपकी ब्रेजा या कोई सी भी गाड़ी है उसके दरवाजे बिल्कुल सील्ड हैं, एयर गैप बिल्कुल भी नहीं है, तो उसमें आवाज़ अच्छी आएगी, चाहे कंपोनेंट हो चाहे कोएक्सल हो चाहे आपने लोकल स्पीकर ही क्यों ना लगा रखे हो, समझ गए। अगर आपको बजट नहीं है, आप सोचते हो कि भाई मेरे को आवाज़ अच्छी चाहिए, तो आप एक काम और कर सकते हो। अब जैसे ये जो मेरे पास स्पीकर है ये भाई बेंटो के ओरिजिनल स्पीकर है, देख लो भी, ठीक है, ये बेंटो के ओरिजिनल स्पीकर हैं, तो अब ये भी मैं लगा सकता हूँ
पर मेरे को अपग्रेड करना था। अब आपके पास जैसे ब्रेजा है, कोई सी भी गाड़ी है मारुति की, कोई भी है या इग्निस है या फिर दुनिया की कोई सी भी गाड़ी है, ठीक है, जिसके दरवाजे अगर सील नहीं है तो स्पीकर कामयाब नहीं हो पाएंगे, उनकी आवाज़ प्रॉपर नहीं आ पाएगी। वही इसी नोट के साथ करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, यहाँ पे रेड कलर का बटन होगा उसको दबा के ग्रे कर दो फटाफट से, और बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑफ ऑन कर लेना, ऑफ कह रहा हूँ, ताकि नई नई नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलती रहे। और भाई कमेंट करके ज़रूर पूछ लिया करो कि भाई क्या भैया ये हम लगा रहे हैं, इसमें क्या ऑप्शन हो सकता है, क्या और कारीगरी कर सकते हैं, सब बताएंगे, ठीक है, बजट बता दो, सब बता दो, उस हिसाब से सारा कुछ बताएंगे भाई, मज़ा आएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you.